हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले सबको मेरी क्रिसमस। आई नो मेरा ये व्लॉग आज का लेट आ रहा है, बट बीच में टाइम ही नहीं मिला। काफ़ी लाइक वेकेशन चल रहा था, छुट्टियां थी, तो इधर उधर जाना आना था, तो मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई। बट एनीवेज, सो ये है मेरे घर का क्रिसमस ट्री, मेरे घर का डेकोरेशन फॉर द क्रिसमस। तो हम हर साल क्रिसमस ट्री लगाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब आती है घर में, और लाइट्स देख के किसे नहीं अच्छा लगता। तो बहुत अच्छा लगता है, हर साल थोड़ा छोटा मोटा हम डेकोरेशन कर लेते हैं और अच्छा सा लगता है उस टाइम पे। और क्रिसमस यहाँ का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, तो यहाँ पे आप रोड से जितना भी घूमोगे बहुत ही अलग वाइब होती है सब जगह पे। आप मॉल्स में जाओ, स्ट्रीट पे जाओ, घरों के बाहर देखोगे, तो जैसी इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट होती है वैसे यहाँ पे क्रिसमस होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं जहाँ जहाँ पे हमने लाइट्स देखने के लिए हम लोग गए। यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल लाइट्स होते हैं, तो वहाँ पे लाइक स्ट्रीट्स पे होते हैं लोगों के घरों के बाहर, आप देख सकते हैं स्ट्रीट पूरी लाइटेड है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ट्रीज़ पे तक लाइट्स थी, और यहाँ पे काफ़ी सारे लाइट्स के लेन भी होते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइन थी हम लोग जब एंटर कर रहे थे। बट ये किसी के घर के बाहर पूरा डेकोरेशन किया हुआ है, तो इस लेन को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग बाहर से आते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ डेजिग्नेटेड लेन्स है जहाँ पे आपको क्रिसमस लाइट्स देखने को मिलेंगी, और बहुत ही सुंदर था। काफ़ी देर तक हम लाइन में खड़े थे, काफ़ी सारे, बट आप चल के नहीं देख सकते हो, आपको आपकी कार से ही ये लाइट्स देखनी है। यू आर नॉट अलाउड टू वॉक देयर, आप चल नहीं सकते हो। तो बहुत ही सुंदर लाइटिंग किया हुआ था। ये यूजुअली आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ क्रिसमस में स्टार्ट होता है, और 31st तक हो, 31st नहीं, आई थिंक डिपेंड करता है, कुछ कुछ लाइट्स 25th तक होती है, कुछ कुछ लाइट्स 31st तक होती है, ऐसा होता है। तो थोड़े दिन आपको मिलते हैं, और बहुत ही अच्छी और अलग वाइब नज़र आती है। देखिए कितनी खूबसूरत लाइटिंग की है, और ये लोग यूजुअली लाइक आप यहाँ पे जो घर देख रहे हैं उन्होंने ही ये लाइटिंग की हुई है, और वो लोग लाइक एंट्रेंस पे खड़े रहते हैं। आप अगर आप अभी एक लाइक आप देखोगे एक आदमी खड़ा है एंट्रेंस पे। सो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो या कुछ टिप देना चाहते हो, सो आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत इसके पीछे वो लोग करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टिप दे सकते हो या कुछ डोनेट कर सकते हो। सो ऐसे ही वो लोग एंट्रेंस पे खड़े रहते हैं, और या फिर अगर कुछ नहीं भी देना है तो सिर्फ अप्रिशिएट कर सकते हो। आपको हर टाइप के लाइक क्रिसमस लाइट यहाँ पे दिखेंगे। काफ़ी लोगों ने सिंपल रखा है, काफ़ी लोगों ने थोड़ा ब्राइट किया है। तो आप स्ट्रीट से भी जाओगे ना यहाँ पे क्रिसमस में, एक बहुत ही अलग, देखिए कितना खूबसूरत है। एक घर के बाहर लाइट्स लगाए हुए थे, बहुत ही सुंदर है। और ऑन द वे आपको ऐसे बहुत सारे और मिलेंगे लोगों ने अपने हिसाब से किए हुए। ये देखिए कितने खूबसूरत लाइटिंग है और डेकोर किया हुआ है क्रिसमस का। तो एक यहाँ पे ना दिसंबर में आने का, इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत अलग मज़ा है। येस विंटर्स होते हैं, बट दिसंबर बहुत ही हैपनिंग लगता है। ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि यू नो विंटर्स चल रहे हैं या फिर ठंड है और समथिंग, तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। लाइट्स इतने, दिसंबर इतना ब्यूटीफुल मंथ है यहाँ पे। ये एक और चीज़ है, लाइक आप, मैंने जैसे बताया था, आप मॉल्स में जाओगे, आप कहीं भी जाओ, आपको लाइट्स, क्रिसमस ट्री लाइट्स सब जगह पे यहाँ पे लाइट्स आपको नज़र आएंगी। ये एक्चुअली एक कसिनो है, तो उन्होंने ये पूरा लाइक क्रिसमस लाइट्स लगाए हुए थे, बहुत खूबसूरत था। आपको काफ़ी दूर से लोग एक्चुअली आए थे इसे देखने के लिए, और आप वॉक करते लाइक पूरा आप चल के इसे देख सकते हो। यहाँ पे आपको कार एक जगह पे पार्क करनी है, और यहाँ से आप पूरा वॉकिंग पे
देख सकते हो, काफ़ी सुंदर किया हुआ था और काफ़ी बड़ा लाइक काफ़ी डेकोरेशन किया था, स्पेस काफ़ी बड़ी थी उनकी, तो ट्रीज से लेके सब कुछ पे लाइट लगाया हुआ था, तो इतना खूबसूरत लग रहा था। और जैसे कि अभी सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक 4:30 या 4:00 तक अंधेरा हो जाता है, सो आप आराम से लाइक आके यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी दिन तक होता है ये, तो क्रिसमस में यू शुड नेवर मिस क्रिसमस लाइट्स, बहुत ही अच्छा होता है। सो ये एक मॉल है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया हमने हर दिन का एक स्केड्यूल बनाया हुआ था, क्योंकि हम इस बार कोई वेकेशन के लिए नहीं गए थे, हम यही चिल कर रहे थे, तो यहाँ पे हर दिन हम अलग अलग लाइक डेकोरेशन या लाइट्स देखने जाते थे। तो ये बहुत फेमस मॉल है सियाटल का, तो वहाँ पे इतना खूबसूरत डेकोरेशन था, आई थिंक ये 24th या 25th का ही दिन था, तो बहुत ही सुंदर था। और ऐसे आप मॉल्स में यू नो सांता क्लॉज के साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, ऑफकोर्स वो चार्ज करते हैं आपको, बट आप उसके साथ लाइक किड्स है तो बहुत शौक होता है पिक्चर्स क्लिक करने का, तो बहुत ही सुंदर लाइक तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी उस दिन, एक्चुअली बहुत ही भीड़ थी, बट यू नो वाइब अलग ही थी। तो इस टाइम पे ना सब जगह पे कहीं भी जाओ आप, अच्छा ही लगता है जाने के लिए, सारा लाइट्स और एक डेकोरेशंस देख के ना बहुत अलग ही लगता है। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, काफ़ी सारे लाइक छोटे से बड़े क्रिसमस ट्रीज या फिर मिनिएचर जैसे आप अभी देख सकते हो हाउसेस बनाए हुए थे, तो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे यूजुअली क्रिसमस की छुट्टियाँ सिर्फ बच्चों को नहीं होती है बट बड़ों को भी होती है, ऑफिसर्स को भी 2 weeks की पूरी छुट्टी होती है मोस्टली ऑफिसर्स में, तो इसीलिए यू नो एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि सबको छुट्टियाँ होती है, इसीलिए आप कोई भी स्पॉट पे दिसंबर में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो पहले से ही प्लान करो, क्योंकि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है उस टाइम पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो आज है 31st की सुबह नहीं है, 31st का आफ्टरनून है, तो आई थिंक इंडिया में तो अब तक 31st हो भी चुका होगा, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप सबका जो कमिंग ईयर है हमारा वो अच्छा जाए और सब लोग हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। तो आई नो बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, मैंने लाइक क्रिसमस में काफ़ी सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए थे बट ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइक छुट्टियाँ चल रही है तो यहाँ वहाँ जाना था, तो मैंने पूरा ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, बट अभी ये ब्लॉग जल्दी आएगा। तो मैंने क्रिसमस के भी काफ़ी सारे जो हमने लाइट्स क्रिसमस लाइट्स यहाँ पे देखे वो सब भी कवर किया है, मेरे होम का जो क्रिसमस डेकोर है वो भी किया है, तो ये व्लॉग आपको मज़ेदार लगेगा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिलेगी देखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा होगा, तो प्लीज़ देखना। थोड़ा सा लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, राइट, और सबको बिलेटेड मेरी क्रिसमस भी।
तो क्रिसमस में छुट्टियां थी, ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ किया नहीं है, बट लाइट्स वगैरह हमने काफी देखे यहाँ पे। हम इस बार कहीं गए नहीं, सिर्फ चिल कर रहे थे हम लोग, तो कोई प्लान नहीं था एज सच, बट अराउंड सिटी ही। यहाँ पे आपको जैसे पता ही है दिसंबर इज लाइक बहुत अलग ही वाइब होती है, जैसे इंडिया में दिवाली की हमारी वाइब होती है, वैसे यहाँ पे दिसंबर की क्रिसमस की वाइब होती है, बहुत ही अमेजिंग होती है। आई थिंक वो एक बेस्ट मंथ है यहाँ पे, जहाँ पे आपको सब जगह लाइट्स, जैसी इंडिया में दिवाली होती है ना, वैसी यहाँ पे आपको सब जगह वो वाइब मिलेगी, तो एज सच विंटर फील नहीं होगा। आई थिंक द बोरिंग मंथ्स आर जनवरी एंड फेब, दिसंबर आई थिंक इज अ बेस्ट मंथ, कोई आना भी चाहता है। विंटर है ऑफकोर्स, ठंडा होगा, बट आई वुड से इस साल तो ठंडा भी ज़्यादा लाइक इतना ज़्यादा लाइक कोल्ड नहीं था, टेम्परेचर भी बहुत अच्छा था, सनी भी था मोस्ट ऑफ द डेज, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि दिसंबर काफ़ी कोल्ड मंथ होता है, बट पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं था वैसा, सो अच्छा है, हमें फ़ायदा मिला उस चीज़ का। सो एनीवेज, तो आज आप देखोगे कि मैंने कार से व्लॉग क्यों स्टार्ट किया, तो हम आए थे लेवनवर्थ, येस लेवनवर्थ के काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं, बट ये काफ़ी यूनिक होगा, क्योंकि विंटर्स में हम लेवनवर्थ कभी नहीं आए, क्योंकि लेवनवर्थ एक लाइक यहाँ पे बहुत सारा लाइक स्नो होता है विंटर्स में, तो हम एज सच कभी आए नहीं, वी आर नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ स्नो और विंटर्स, बट इस साल हमने सोचा कि चलो वेदर काफ़ी अच्छा था आज, तो इसलिए सोचा कि चलो जाते हैं। और जब चेक किया तो, क्योंकि विंटर में आप माउंटेन्स से आते हो तो थोड़ा सेफ नहीं होता ड्राइव करना, ड्राइविंग कंडीशंस ग्रेट नहीं होते, तो इस बार हमने सोचा कि आज वेदर अच्छा है, सब कुछ हमारे लाइक रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो चलो चलते हैं। और सच्ची में वेदर बहुत अच्छा था, येस ऑफकोर्स यहाँ पे कोल्ड है, बट लाइक आप आके यहाँ पे क्रिसमस एक अलग ही वाइब होती है, बिकॉज ये मैंने बताया था यूरोप जैसा टाउन बनाया हुआ है यहाँ पे, द बवेरियन विलेज, तो बहुत ही अलग वाइब होती है क्रिसमस के लिए स्पेशली, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, यहाँ पे पार्किंग मिलना भी हमें इतना मुश्किल हो गया था कि काफ़ी दूर पार्क करके हम चल के लिटरली वहाँ तक गए, तो अलग वाइब होती है। ज़्यादा कुछ होता नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बंद है, सिर्फ टाउन खुला होता है इन द विंटर्स, और लोग वहीं आके क्रिसमस लाइट्स देखते हैं, डेकोर देख लाइक क्रिसमस का पूरा जो डेकोरेशन किया होता है वो देखते हैं, न्यू ईयर्स के दिन आते हैं ऑन द 31st, तो पूरा भरा हुआ रहता है। लाइक हमने देखा होटल्स भी, हम ऐसी रैंडमली चेक कर रहे थे, बट कोई रूम्स अवेलेबल नहीं थे, सब कुछ फुल बुक्ड है, तो क्रिसमस में यहाँ पे बहुत फुल रहता है, लोग लाइक स्नो कंडीशंस में भी यहाँ पे आ जाते हैं, मे बी दे हैव एक्सपीरियंस, बट वी नेवर टेक एनी रिस्क स्नो में आने की, बट आज वेदर अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो यस, एक घंटा हमने काफ़ी लाइक एन्जॉय किया, लेवनवर्थ काफ़ी बार देखा हुआ है, बट क्रिसमस में वी वॉन्टेड टू सी, बिकॉज राउट में पूरा स्नो था, इतना सुंदर, और ऊपर से उसमें सन भी था, तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सन विथ स्नो, तो अच्छा था। तो आई होप आप ये व्लॉग डेफिनेटली एन्जॉय करोगे, राइड भी बहुत सुंदर थी, और टाउन भी मैंने, विंटर वाला जो टाउन है वो हमने देख लिया, हम 3 साल से यहाँ पे हैं, बट हम विंटर्स में कभी नहीं आए, लोग काफ़ी बार विजिट करते हैं, बट इस बार हम आए तो आई होप आप। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, रोड्स इतने सुंदर लग रहे थे, लाइक बोथ साइड्स स्नो से भरा हुआ था, बट सन आप ऊपर देख सकते हो, काफ़ी लाइक क्लाइमेट वेदर काफ़ी अच्छा था, सनी था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि लाइक आप ऐसे लोकेशंस पे जब आप जाते हो तो वेदर चेक करके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माउंटेन्स से ड्राइव करना है तो ड्राइविंग सेफ होनी चाहिए, तो इसीलिए वेदर देख के ही हम लोग गए थे, एंड दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम ड्राइविंग इन लाइक विंटर्स टू लेवनवर्थ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और यू नो लाइक वहाँ जाने से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो यहाँ से ड्राइव करने में थी, लाइक स्नो देखते देखते मज़ा आ रहा था, क्योंकि ज़्यादा करके हमने स्नो में ड्राइव कभी किया नहीं है, क्योंकि नीचे सियाटल में ज़्यादा स्नो होता नहीं है, माउंटेन्स पे ही स्नो पड़ता है, तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। सो दिस इज़ द टाउन, दिस इज़ द बवेरियन विलेज, जो कि लेवनवर्थ में फेमस है विंटर्स के लिए, तो इसकी विंटर्स की हमने फील किया कि इसकी विंटर्स की वाइब अलग है और समर्स की वाइब अलग है। विंटर्स में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो बिकॉज सब बंद रहता है, सिर्फ ये टाउन खुला होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस लाइट्स होती है, बट हम लोग रात तक अनफॉर्चुनेटली नहीं रुके, क्योंकि वेदर का कुछ भरोसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम जल्दी निकल गए, बट मेन इस विलेज में लोग क्रिसमस लाइट्स देखने के लिए आते हैं, तो विंटर्स में सिर्फ इतना ही खुला रहता है, आप अराउंड माउंटेन्स या कहीं और एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली लाइक स्नो से पूरा भरा हुआ रहता है, तो वो सब बंद रहता है लाइक इन विंटर्स, बट ये टाउन की वाइब भी कुछ अलग होती है। और ये डॉग देखिए कितना क्यूट था, इतना फ्लफी, सुपर क्यूट था, तो आई थॉट कि मैं शूट करूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा आज के दिन का।
सो आप जब लेवनवर्थ जाते हो तो ऑन द वे एक स्पॉट लगता है, बहुत फेमस है, स्नो कॉलोनी पास, जो जो लोग सिएटल आते हैं या सिएटल के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे स्कीइंग बहुत फेमस है, आप देख सकते हो मेरे अटायर से। देखिए कितनी सारी स्नो है पीछे। तो ये लोकेशन स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है, लोग यहाँ पे लाइक स्टे करने के लिए आते हैं, और जो स्कीइंग लाइक प्रोफेशनल्स है या बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपको स्कीइंग का शौक है, यहाँ पे लोगों को स्कीइंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और देखिए कितनी सारी स्नो है, आज तो वेदर अच्छा है तो भी इतनी सारी स्नो है। इमेजिन कीजिए कि जिस दिन वेदर अच्छा नहीं होगा उस दिन कितनी सारी स्नो होगी। तो यहाँ के ना यहाँ पे स्कीइंग के बहुत शौकीन है लोग, सो दे लव ऑल दिस प्लेसेस, यहाँ पे आना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लाइक कैबिन्स है, कैबिन्स में आप रह सकते हो, या फिर काफ़ी सारे एयरबीएनबीज भी आई एम श्योर होंगे, बट आई थिंक इन्हें पहले से आपको बुक करना होगा। बट काफ़ी लाविश लाइक कैबिन्स और एयरबीएनबीज है, हॉट टब्स, मतलब अलग एक्सपीरियंस होगा कि आप पूरे स्नो में इसके साथ रह रहे हो। तो जो लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, दूर से आते हैं, सो दे स्टे हियर, रह भी सकते हो, बट आई थिंक पहले से आपको बुकिंग करनी होगी क्योंकि ये बहुत फेमस है, तो विंटर्स के लिए फुल रहता है। अभी भी हम देख रहे हैं जगह काफ़ी फुल है, काफ़ी सारी पार्किंग कार पार्क्स है, तो आई एम श्योर ये सारे कैबिन्स फुल होंगे। देखिए कितना सुंदर है पीछे, ऐसे वुडन कैबिन्स मिलेंगे आपको, अगर आपने स्विट्ज़रलैंड के पिक्चर्स विंटर्स में देखे होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है, पूरे वुडन कैबिन्स। तो बहुत सुंदर है क्योंकि एलिवेशन पे है तो ठंड और स्नो बहुत ही ज़्यादा है, बट अगेन स्नो पसंद आता है, विंटर्स कुछ अलग देखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट वेदर अच्छा था इसलिए हम लोग आए, वरना हम प्रेफर नहीं करते स्नो में आना। तो ऐसी वॉक लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इसके कैबिन्स के पीछे स्कीइंग एरिया है, ये अगर आप थोड़ा सा देख सकते हो, पता नहीं कितना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्कीइंग कर रहे हैं। और स्नो देखिए काफ़ी फ्रेश है, इसके हम गोले बना सकते हैं, जो हमारे इंडिया में पता है आइस गोला मिलता है, वैसे काफी फ्रेश फ्रेश स्नो है। आप लोग ये व्लॉग देखोगे मेरे साथ, और अगर इस व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस सून विद द नेक्स्ट व्लॉग। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।